हेलो फ्रेंड्स, आपको आज हम पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं वो आपको बताने वाले हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल से स्टेप हैं, छोटा सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। जब भी कभी आपको आपके कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप में, किसी भी सिस्टम में कोई विंडो करप्ट हो जाती है या विंडो में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो आपकी होती है वो होती है कोई भी बूटेबल डिस्क का होना, चाहे आपके पास डीवीडी हो, सीडी हो या कोई पेन ड्राइव हो। अगर डीवीडी और सीडी अगर आपको चाहिए, अगर आपको के पास है, तो आपको आपकी प्रॉपरली, कभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि डीवीडी हमारी काम नहीं कर रही होती है, तो हम पेन ड्राइव को बूटेबल बना के रख सकते हैं। तो उसके सिंपल स्टेप्स हैं, आप उन सिंपल स्टेप में आप अपनी पेन ड्राइव को पोर्टेबल बना सकते हो। तो हम इसमें विंडोज 7 की पेन ड्राइव को पोर्टेबल बनाना बता रहे हैं। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने कंप्यूटर्स के अंदर आपको कोई भी ISO फाइल डाउनलोड करनी होती है, ठीक है? तो ISO फाइल आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो या कहीं से लेके आ सकते हो। जैसे मेरे पास ISO की पहले से फाइल्स डाउनलोड, इमेज फाइल्स डाउनलोड हैं, 7 है, 8 है, 10 है। तो मैं आपको 7, सब में तरीका एक ही होता है, बट हम आपको 7, विंडोज 7 की बूटेबल पेन ड्राइव बनाना बता रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप गूगल ड्राइव के अंदर जाके आपको एक छोटा सा प्रोग्राम है उसको डाउनलोड करना होगा आपके कंप्यूटर में। तो आप गूगल में जाके गूगल सर्च आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर सिंपली गूगल लगाया, गूगल में आप सिंपल एक प्रोग्राम होता है रिफ्यूज़, तो रिफ्यूज़ प्रोग्राम्स को ये स्पेशली पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन रिफ्यूज़ लिखते ही हमने रिफ्यूज़ का क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव के लिए आ गया, हमने इसे क्लिक किया। सिंपल आपको उसको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको कोई भी वर्जन आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे लेटेस्ट वर्जन आपका दिखा रखा है यहाँ पर 3.3 या 3.3 या कोई भी वर्जन, मोस्ट मिनिमम 1 MB का है ये, बहुत ही छोटा प्रोग्राम है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अपने सिस्टम में पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं उसको चलाऊंगा। बट इसको डाउनलोड करने से पहले आप क्या करेंगे, पेन ड्राइव को आप अपने सिस्टम में अटैच कर लेंगे, क्योंकि आपको पेन ड्राइव पोर्टेबल जो भी पेन ड्राइव आपको बनानी है। और कोशिश करिएगा कि विंडोज़ की जब भी 7 की पेन ड्राइव बनाएं तो कम से कम आपकी 8 GB कैपेसिटी की पेन ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है? तो आप सिंपली आपने रिफ्यूज़ में गए, रिफ्यूज़ आपने रिफ्यूज़ को क्लिक किया, आप इसको डाउनलोड कर लोगे सिंपली। और मैंने यस किया, इसको डाउनलोड कर लिया। सिंपल स्टेप्स हैं इसके रिफ्यूज़ को डाउनलोड करने के। तो इस तरह से आपका रिफ्यूज़ का विंडो ओपन हो गया आएगा आपके सामने, देखो 3.3 वाला है। तो हमारी हमारी ड्राइव ऑलरेडी लगी हुई है इसमें, इसलिए ये हमारी ड्राइव पहले से यहाँ दिखा रहा है, नो लेबल 7.8 दिखा रहा है, 8 GB की ड्राइव लगी हुई हमारी। तो आपको वो ISO फाइल, तो बूटेबल सेलेक्ट करने के लिए आपको वो ISO फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो हम सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पर भी हमारी ISO फाइल होगी हम उस लोकेशन में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी हमने डी ड्राइव में सॉफ्ट के अंदर भी आपको दिखाया था मैंने, तो उसमें एक 7 की रखी हुई है, उसको हमने सेलेक्ट किया और सिंपली ओके ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे तो देखो, ये जो हमारी ISO फाइल है ये हमारी लोड हो गई है, ठीक है? अगर आप यहाँ से कोई वॉल्यूम देना चाहें इसका, वॉल्यूम का लेबल, तो आप विंडोज़ 7 बुटेबल, बस बुटेबल लिख देते हैं, ठीक है? उसके अलावा NTFS में ही करना है हमें इसको, और अगर क्विक फॉर्मेट्स भी करना है साथ में इसको, तो फॉर्मेट भी आप कर सकते हो। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है और कोई सेटिंग को छेड़ना नहीं है, आपको स्टार्ट में क्लिक कर देना है। आपसे पूछ रहा है, वो वार्निंग दे रहा है, ऑल डेटा ऑन द डिवाइस, जो भी डिवाइस में डेटा होगा विल बी डिस्ट्रॉयड, सो टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशंस। तो अगर आप ओके कर देते हो, तो आपका ओके होने के बाद जितना भी डेटा इसमें होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो हम फॉर्मेट कर रहे हैं इसको और साथ में
देखिए आपका ये चल रहा है, तो कुछ टाइम लेगा ये फॉर्मेट करने में, और क्रिएटिंग अ फाइल सिस्टम्स आपका क्रिएट कर रहा है। राइटिंग मास्टर बूट रिकॉर्ड, तो इस तरह से वो हो रहा है, आप देख सकते हैं। आईएसओ फाइल कॉपी होना स्टार्ट हो गई आपकी, सारी फाइल जितनी भी कॉपीज हो रही हैं, जो जो फाइल है वो कॉपी हो रही है। और इस तरह से कंप्लीट होने के बाद सिंपल स्टेप में आपकी आईएसओ फाइल जनरेट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में, और अप्रॉक्स 3.2 GB डेटा आपका बूटेबल विंडोज 7 के बनाने के लिए अप्रॉक्स कवर करेगा। तो इसलिए रिकमेंड करेंगे हम कि आप हमेशा बूटेबल बनाने के लिए, जब भी आप विंडोज 7 के बूटेबल डिस्क बनाएंगे या बूटेबल पेन ड्राइव स्पेशली बनाएंगे, तो आपको 8 GB पेन ड्राइव ही आप यूज़ करें। तो देखिए आईएसओ फाइल्स आपकी हो रही है, मैं इस वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एक एक स्टेप आपको दिखे, आपके सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि स्पीड क्या रहेगी इसकी। तो मैं जो मेरी स्पीड आपको दिख रही है वो, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो i5 सिस्टम है, मैं आपको प्रॉपर दिखा सकता हूँ, तो i5 सिस्टम के अकॉर्डिंगली मेरा जो सिस्टम है काम कर रहा है। अगर आप i7 सिस्टम में काम कर रहे होगे, देखिए 2.6 i5 CPU लगा हुआ है, 2.6, ठीक है, 4 GB रैम पे काम कर रहा हूँ मैं, और जिस तरह से थोड़ा सा आपको टाइम भी लग सकता है। और अगर आप विंडोज 7 में 8 GB मेमोरी में काम कर रहे हैं, तो शायद इससे भी कम टाइम में आपका ये हो जाए, ठीक है। देखिए हमारी इस तरह से पेन ड्राइव बूटेबल्स रेडी हो गई है, बन गई है। हम इसको सिंपली क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है, और क्लोज़ करने के बाद हम माई कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जाके चेक करते हैं कि बूटेबल फाइल बनी है। देखिए सारी फाइलें आ चुकी हैं, आप देख सकते हो, और इस तरह से सेट ऑफ फाइल्स आ चुकी हैं, सारी फाइल्स हमारी यहाँ पर पेन ड्राइव के अंदर हो चुकी हैं। आप इस तरह से अब आपकी जो फाइल, जो पेन ड्राइव है, बूटेबल पेन ड्राइव बन जाती है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सिंपल स्टेप्स से पता लग गया होगा कि पेन ड्राइव को कैसे पोर्टेबल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, कोई भी आपके हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मेरे चैनल को, तो मैं आपकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश करूँगा। सो लर्न स्मार्ट गेट स्मार्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच।